गाइस, गुड मॉर्निंग। तो आज है संडे और संडे इज़ द फन डे। तो मैं उठ चुकी हूँ और अभी घर में सारे लोग सो रहे हैं। देखिए, ये भी सो रहे हैं, ये सो रहे हैं अभी। तो ये भी सो रहे हैं और उधर मम्मी भी सो रही हैं, भैया भी सो रहे हैं, सब सो रहे हैं अभी। टाइम हो रहा है 8:30। तो मैं उठ गई हूँ क्योंकि आज है संडे और मुझे आज कहीं जाना है। अब मुझे कहाँ जाना है? मुझे जाना है अपने मायके। तो क्योंकि ये मुझे अब मेरे मम्मी के पास लेके जा रहे हैं, तो अब मैं जल्दी जल्दी से अपना काम ख़त्म कर लेती हूँ। झाड़ू पोछा, जो भी बर्तन वर्तन, नाश्ता वास्ता सारा बना बुन के, खाना पीना बना के खा पी के, और फिर हम चलते हैं अपने गांव। और आप भी चलिएगा मेरे साथ, क्योंकि मैं आप लोगों को भी अपना गांव दिखाऊंगी, अपनी मम्मी से मिलाऊंगी, सबसे मिलाऊंगी, घर वालों से मिलाऊंगी, ठीक है। तो गाइस, ये तो उठने का नाम ही नहीं ले रहे। मेरा आधा काम ख़त्म हो गया है, झाड़ू पोछा मैंने कर लिया है और ये अभी उठ नहीं रहे हैं। तो मैं सोच रही हूँ इन्हें उठा ही दूँ। जैसे कि आपको पता है कि यार, अब सर्दी सर्दी सी हो गई है, तो अब हमारे भी कंबल अम्बल से निकले आए हैं और हमने अपने कपड़े भी निकाल लिए हैं गरम गरम। तो चलिए, मैं इन्हें उठाती हूँ। बाबू उठा, उठो, जाओ, कहो गया। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। सो रहे हो अभी? कब तक सोओगे? कितना टाइम हो गया? उठ जाओ, जग रहे हो? कब की लाइट जला के गई हूँ, उठते नहीं है। संडे वाले दिन तो ऐसे घोड़े बेच देते हैं ये अपने, कि सारे घोड़े बिक गए, अब क्या टेंशन, पैसा ही पैसा, सो गई। जाओ स्मार्टी, जाओ, उठो उठो उठो, फटाफट से हाथ दो। हाय गाइस, तो आज हम जा रहे हैं शिवानी के घर और आपको दिखाते हैं कि उसका घर कैसा है, कौन सा उसका गांव है। उसका जो गांव है बहुत ही प्यारा है और उसकी फैमिली में कौन कौन है। उसका एक प्यारा सा भतीजा है जिससे वो भी बात कर रही है। तो चलिए आपको दिखाते हैं कि वो कितना बाती नहीं है। चलिए, तीसरी तू मुझे देख नहीं रहा बेटा। कब नहीं, आज। ओ थैंक यू बेटा। ये दो रहे हैं ये कपड़े। क्या कर रहे हो, हवन या फिर पूजा? मम्मी ने इन्हें कपड़ों में लगा दिया है। मम्मी ने, तेरे पास इतने कपड़े हैं, ये सर्दियों के कपड़े इन्होंने निकाल रखे हैं। ये देखो, ये हैं सारे, ये हैं, ये सब सर्दियों के कपड़े कुछ उसमें हैं जो निकाले हैं इन्होंने। आधे तो इन्होंने इसमें धो दिया, आधे ऊपर पड़े हैं। तो ये सजा मम्मी ने नहीं दी है कि तेरे कपड़े हैं, तू ही धोएगा, बहू नहीं धोएगी मेरी। तो कहते हैं, कौन कहता है कि सासें बेटों की सुनती हैं? ऐसा नहीं है, सासें हमेशा बहुओं की तरफ रहती हैं, बेटों की तरफ नहीं। तो सुनो, हाँ। तो गाइज, हम हो गए हैं तैयार, ये भी हो गए हैं तैयार। तो अब हम जा रहे हैं गांव। गांव के आज जो गांव के मजे हैं वो अलग ही है। सुकून जो गांव का है वो कहीं नहीं है यार। इन्हें गांव बहुत पसंद है। हम लोग सिटी में रहते जरूर है, लेकिन जो गांव में साफ सफाई है, जो पेड़ पौधे, वातावरण स्वच्छ हो, जो सुकून है, ओहो, चलो आपको फील कराते हैं आज गांव का सुकून। हाँ, तो गांव में हम चलते हैं, सबसे मिलते हैं, आपको भी मिलाते हैं। तो और आपको शिवानी का घर दिखाते हैं। मेरा घर दिखाते हैं, चलिए चलते हैं। और देखिए मेरी न्यू हेयर स्टाइल जो शिवानी ने करवाई है। हाँ, तो हम आए हैं अभी घर के लिए पिज्जा पैक करवाने के लिए। तो हम अभी रेस्टोरेंट में आए हुए हैं, हम दोनों बैठे हुए हैं। तो अभी उसने भैया को ऑर्डर दे दिया है कि आप पिज़्ज़ा पैक कर दो, क्योंकि उसे पिज़्ज़ा बहुत पसंद है और वो मेरे से वाकई में बहुत प्यार करता है, जो कि आज हम आपको सबको दिखाएंगे। और वो उसे पता नहीं है, वैसे पता भी है कुछ और नहीं भी पता,
तो उसका रिएक्शन भी दिखाएंगे कि वो कैसे, मतलब उसे कैसा रिएक्शन, कैसा लगा मुझे देख के, तो वो भी दिखाएंगे। तो ये देखिए, तो हम आ गए हैं अपने गांव की सड़क पे, और ये पेड़ देखो, ये पेड़ बहुत पुराना है, बहुत पुराना है। इस बरी के पेड़ को 120 साल से भी ज़्यादा हो गए। ये बहुत पुराना पेड़ है, और देखो इसकी जटाएं कितनी हैवी हैवी जटाएं हैं इसकी। बहुत पुराना पेड़ है ये, बहुत पुराना है। मेरा छोटा सा गांव, अभी एंट्री हो रही है, इधर एक तरफ ट्रेन है। आलू नहीं है, ये सरसों है। हाँ, ये सरसों हैं, और ये है हमारा गांव। गांव की अब स्टार्टिंग हो चुकी है। हेलो जो, नमस्ते बेटा, नमस्ते। गई हूँ अपने घर पे, और अब देखते हैं धैर्य का रिएक्शन क्या होता है। धैर्य, अरे बच्चा, अरे 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 बिटू, कैसा है तू? अच्छा। अच्छा है? तू मुझे मिच कर रहा था क्या? नहीं था, वो कर रहा था, नहीं कर रहा था। बुआ जा, तुम घर गई थी, तुमको मिस जरूर कर रहा था। अच्छा, जब मैं घर गई थी वो तब मुझे मिस कर रहा था। अरे मैं बच्चा, तो ये है मेरा छोटा सा भतीजा, जो कि मुझसे बहुत प्यार करता है, मैं भी इसे बहुत प्यार करता हूँ, करती हूँ, है ना। तो हम आ गए हैं अभी घर पे, और उरे 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 गए 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 चलो तो फिर चलते हैं हम अंदर। सबसे पहले बेटा मिल गया, खुश रहो खुश रहो खुश रहो। हम आ गए हैं, और हमें चाय भी मिल गई है, और ये तो नाश्ता भी अपना खींच के जा चुके हैं। तो अब मैं आपको मिलाती हूँ अपनी मम्मी से। ये मम्मी है मेरी, अब तो सही हो गई हैं, ये थोड़ी सी बीमार हो गई थी, थोड़ी सी दिक्कत हो गई थी, मम्मी देखो इसमें पर अब तो सही हो गई है। और ये तो गुड्डा ही है मेरा। इंसान कह रहा था कि लंदन से आई मेरे दोस्त पगला। अच्छा, ऐसे कह रहा था, छोड़ छोड़ छोड़। और ये बड़े भाई साहब हमारे, हाय करो, हाय करो, सुशीला है। ये बड़े भैया हैं, बाप समान बड़े भाई हैं। और आइए मैं मिलाती हूँ अपनी भाभी से। भाई बेचारी जब भी रहती हैं। और ये है मेरी भाभी, ये बहुत ही मतलब प्यारी स्वीट सी, तो सबसे ज़्यादा एक बहन वाला लगाव, जो भाभियाँ भी एक बहन से कम नहीं होती, बड़ी बहन जैसी भाभी, सही और गलत में अंतर बताने वाली सब वो ये भाभी हैं। और किससे मिलाऊं मैं, और दो भाई और हैं मेरे जो है नहीं अभी यहाँ पे, और बाहर बच्चे हैं, तो बच्चे दिखाती हूँ मैं अभी आप सबको। कॉफी भी पीते जा रही हूँ। बच्चो, अरे 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 अरे, देखो ये बच्चे, ये धैर्य, और ये ऋषि। मैं आई थी तब ये लोग थे नहीं गली में, फिर उसके बाद इन लोगों को पता चली कि मैं आ गई हूँ, तो फिर उसके बाद ये लोग आए, इकट्ठे हो गए, और कुछ बच्चे अब भी नहीं हैं, तो कोई कहीं गया हुआ है, कोई कहीं गया हुआ, वरना कितने सारे बच्चे हो जाते हैं, बहुत सारे बच्चे हो जाते हैं। और मैं लेके आई थी बच्चों के लिए चॉकलेट्स, तो आप चॉकलेट्स बांट देते हैं बच्चों को, क्योंकि इतनी खुशी से आते हैं बुआ बुआ करते हुए, तो भैया कुछ तो बनता है ना, तो बांटते हैं।